धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। जी हां, ध्यान से सुनिए। जिसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था, जिसे आप धर्म नगरी भी कह सकते हैं, संगर नगरी भी कह सकते हैं, त्रिवेणी भी कह सकते हैं, वहां पर खाकीधारी पुलिस वाले छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीटते हैं। जान बचाने के लिए वो छात्र जब अपने लॉज में वापस चले जाते हैं, जहां पे ठहरे हुए थे, वहां से दरवाजा तोड़कर उनको बाहर निकाला जाता है और बेरहमी से फिर मारा जाता है, उठक बैठक कराई जाती है और ले जाके हवालात में डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। ये तस्वीरें देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखी है कि किस तरह से खाकीधारी पुलिस वालों ने छात्रों के ऊपर बर्बरियत का आतंक का मजाहिरा प्रदर्शन किया है या ढाया है। अगर आपने ये खबर नहीं देखी है तो हम लोग कुछ ही देर पहले इस खबर को ब्रेक कर चुके हैं धाकड़ खबर पे। आप डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर क्लिक करके जो लिंक है उस पर विस्तार से जाके इस खबर को देख सकते हैं। लेकिन अब मैं दो खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। सोचिएगा, जो प्रयागराज में पुलिस वाले इस तरीके से छात्रों पर आतंक ढा रहे हैं, जब उनका सामना मथुरा यानी कि कृष्ण नगरी में एक भगवाधारी महिला से होता है तो वहां उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पाती है और वह भगवाधारी भाजपाई महिला पुलिस वाले को कहती है कि तेरी वर्दी उतार दूंगी। बोलती हुई तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी खबर के पहले हिस्से में आपके सामने रखूंगा। इसी के साथ खबर के दूसरे हिस्से में एक तस्वीर से आपको रूबरू कराऊंगा जो आ रही है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से। यहां एक फौजी को पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, मारते पीटते घसीटते हुए गाड़ी में डालते हैं और उसके बाद ले जाके उसको हवालात में बंद करते हैं। बाकायदा फौजी ने वीडियो वायरल किया है। फौजी का वीडियो वायरल होने के बाद ना तो किसी भाजपाई का ना किसी भगवाधारी का खून खोल रहा है, ना ही उन लोगों का खून खोल रहा है जो अपने तमाम न्यूज चैनल जानते हैं ना, काला कोट पहन के रात को 9 बजे आके खड़े हो जाते हैं और सेना के सम्मान में बातें करते रहते हैं, उनका खून खोल रहा है, जबकि वो तो हमेशा सेना के सम्मान पर टीआरपी बटोरने का काम करते रहते हैं। दो हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रख रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। मथुरा से ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। मथुरा का एक इलाका है वृंदावन। वृंदावन में आप जानते ही हैं चुनाव चल रहा है, इन दिनों चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी होती है, चेकिंग करती रहती है, क्योंकि गाड़ियों के अंदर पैसा भी रख के ले जाया जाता है, जगह जगह पैसा भी पकड़ा जा रहा है, हथियार भी पकड़े जा रहे हैं और दारू भी पकड़ी जा रही है, चरस गांजा पता नहीं क्या क्या पकड़ा जा रहा है। तो उसी क्रम में ये पुलिस वाला रुकने का इशारा कर देता है भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष मधु शर्मा की गाड़ी को। बस इसके बाद इस पुलिस वाले को पता चल जाता है कि इसकी असल में औकात क्या है। तो करवा दूंगी, बस शांत रह, बस जब तक चुप रहती हूँ तब तक चुप रहती हूँ। चौकी इंचार्ज है, चौकी के इंचार्ज की तरह हैसियत से रह। ये चौकी इंचार्ज है, अब जो भी है अब दबे है केशव धाम पे, मतलब चौकी इंचार्ज के लिमिट में नहीं है। कोई कहीं नहीं, यहीं पर है सब, एक भी नहीं जाएगा। बनाता रहे तू वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल सर, सुन लिया आपने कैसे ये पुलिस वाले को डांट रही हैं, कह रही हैं तेरी वर्दी उतार दूंगी, लेकिन पुलिस वाला कुछ बोल नहीं पा रहा है, कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद जिले में बैठे हुए जो आला अधिकारी हैं वो भी नहीं बोल पा रहे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि भले ही चुनाव आयोग ने सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया हो और आदर्श आचार संहिता यानी कि MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया हो, फिर भी भाजपा ही जो है पुलिस वालों पर हावी हैं। और पुलिस वाले क्यों डरे हुए हैं, क्योंकि बार बार जो ये ओपिनियन पोल आ रहे हैं और उनके जरिए दिखाया बताया जा रहा है कि फिर आ रहे हैं योगी जी, तो इससे पुलिस और प्रशासन में भय पैदा किया जा रहा है कि हमारे किसी आदमी को अगर रोकने की कोशिश की तो सोच लो हम फिर आ रहे हैं। तो जो ईमानदार अधिकारी हैं अगर कुछ करना भी चाहते हैं वो डर के हमारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये ओपिनियन पोल सिर्फ अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए नहीं, प्रशासन पुलिस पर दबाव बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इस बात की एक गवाही है। लेकिन सवाल यहां यह पैदा हो रहा है कि जब प्रयागराज में इतने बेरहमी से छात्रों को पीट रहे हैं, ये तो सीधे तौर पर पुलिस को धमकी दे रही है। क्या इसने पुलिस को वर्दी दिला, क्या पुलिस को वर्दी इसके रहमोक्रम पे मिल गई है, क्या पुलिस वाले ने एग्जाम नहीं दिया है, पूरा एग्जाम कंडक्ट करने के बाद उसे वर्दी मिली है और उसको ये कह रही है कि 2 मिनट में उतरवा देगी और इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, किसी का खून नहीं खोल रहा है। लेकिन अब देख लीजिए कि खाकी
फौजी पर किस तरीके का जुल्म ढा रही है बलरामपुर में। बलरामपुर उत्तर प्रदेश का जिला है, आपके सामने यहाँ का हाल रख देते हैं। यहाँ का सादुल्ला नगर एक थाना पड़ता है। सादुल्ला नगर थाने का सराय खास एक इलाका है, वहां का रहने वाला एक शख्स है जिसका नाम है राजबीर सिंह। ये राजपूताना राइफल्स का जवान बताया जा रहा है, दिल्ली में तैनात है। आप समझ सकते हैं ठाकुर ही होगा जब राजपूताना राइफल्स में तैनात है। खैर हमारे पास पूरी पुष्टि नहीं है कि राजपूत ही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके का वीडियो इसने वायरल किया उसके साथ क्या हुआ होगा, उसी की जबानी सुन लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद जय भारत। प्रिय देशवासियों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों तक पहुँचाओ। मेरा नाम राजकिशोर सिंह, मैं एक सेना का जवान हूँ, राजपूताना राइफल्स में तैनात हूँ इस समय दिल्ली में। मैं 30 दिन की छुट्टी लेकर, जो कि मेरे इस लीव सर्टिफिकेट में दर्शाई गई है। कल मेरे छोटे भाई और एक दुकानदार के साथ गाली गलौज हो गया। फिर मेरे को जब पता चला, फिर मैं वहाँ पे बीज बराव करने के लिए गया कि हाँ मेरा घर का है तो मैं जाऊँ, क्या हो गया। जब सुनाई पड़ा वहाँ पे गया तो जो पुलिस, पहले से 2 पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बोला, मैं गाड़ी लेके पहुँचा, बोला कि इसकी गाड़ी की चाबी लो, गाड़ी की चाबी दे मेरे से बोला। मैं बोला गाड़ी की चाबी किसे ले दूँ, मैं आया हूँ, बात क्या है ये बताओ। बोला कि तुम्हारा, तेरा भाई और इसके साथ झगड़ा हुआ है। मैं बोला ठीक है, झगड़ा हुआ है तो मेरी क्या गलती है, मैं चाबी किस ले दूँ। फिर बोला ठीक है तू इधर बैठ जा। मेरे को बिठा दिया और दुकानदार जो था उसको बिठा दिया, दोनों बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद सादुल्ला नगर थाना की, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर की, 2 फोर्स 2 गाड़ी आई और मेरे उस पहले दुकानदार को पकड़ा, फिर मेरे को बोला कि ये कौन है, मतलब उसका भाई है आर्मी में, ये मेरे से ज़्यादा वो कर रहा था। फिर मेरे को ज़बरदस्ती पकड़ा और मैं बोला कि मैं किस लिए जाऊँ, मेरे को किस लिए उधर ले चल रहे हो, मेरी क्या गलती है। बोला तेरी वजह से हुआ है जो हुआ है, तेरे को अकल तेरा ठिकाने लगाना पड़ेगा। मैं बोला कि मेरा क्या, मैं तो सेना का जवान हूँ, मेरे को किस लिए ले चल रहे हो। फिर वो 5-10 लोग थे, वो मेरे को पकड़ा, एक था राम मिलन यादव और नेम प्लेट तो मैंने देखा नहीं, नेम प्लेट लगा भी नहीं रखा था उन्होंने। एक का मेरे पे यहाँ पे राइफल की बट पड़ी और कई लोग मेरे को, जब मैं ऐसे करने लगा कि मैं किस ले जाऊं, मेरी क्या गलती है, फिर मेरे को पकड़ के जबरदस्ती, एक दो जब बट पड़ा और एक दो हाथ लात जब पड़ा मेरे को, फिर मैं बोला मेरी अब इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी, और बेइज्जती कराने से अच्छा है गाड़ी में बैठ जाओ इसके। मैं गाड़ी में बैठ गया। फिर मैं थाने जब पहुंचा तो वहां के जो SHO थे, सुन लिया आपने कैसे बता रहा है कि पुलिस वालों ने पहले उसकी गाड़ी अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, इसने विरोध किया कि हमारी गाड़ी में क्यों कब्जे में लोगे। फिर उसके बाद दुकानदार के साथ, जिसके साथ इसके भाई का झगड़ा हुआ, उस समय इसको उठाकर हवा लात में ले गए। जब इसने विरोध किया तो ये बता रहा है कि इसको राइफल की बट से मारा। ये सेना का सम्मान कर रहे हैं और थाने ले जाने के बाद थानेदार ने भी इसके साथ बदसलूकी की है। हालांकि इस मामले में जो यहाँ के CO हैं, यानी कि सर्किल ऑफिसर DSP हैं, उनका कुछ और कहना है। उनका कहना है कि राजकिशोर सिंह का भाई जो हैप्पी सिंह है वो एक पेशेवर अपराधी है, उसके खिलाफ पहले से 2 मुकदमे दर्ज हैं। वो एक बियर शॉप पे गया, वहाँ उसका झगड़ा हो गया, वो तो मारपीट करके भाग गया और वहाँ पे जो ये फौजी है ये पहुँचकर कानूनी कार्य में बाधा डाल रहा था। उस मामले में इसको थाने लाया गया, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी जो है बदसलूकी नहीं की गई, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। सुन लीजिए DSP की जुबानी। आज श्री अतुल कुमार यादव जी द्वारा एक ट्वीट द्वारा मैसेज प्रसारित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा थाना सदुल्ला नगर पुलिस के ऊपर फौजी श्री राजकिशोर सिंह सनाप राधे श्याम सिंह आरओ पांडे प्रभा के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट करने की बात को बताया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी की गई तो प्रकरण इस प्रकार पाया गया। दिनांक 19/1/2022 को दिन में राजकिशोर फौजी के भाई हैप्पी सिंह अपने कुछ साथियों के साथ बियर की दुकान पर बियर पी रहे थे। पैसे के लेन देन को
लेकर के दुकानदार से उनकी कुछ कहासुनी हुई और इस कहासुनी के उपरांत हैप्पी सिंह द्वारा दुकानदार के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, उसकी दुकान में तोड़फोड़ की गई, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो हैप्पी सिंह व उसके साथीगण जिन्होंने घटना की थी मौके से फरार हो गए थे। हैप्पी सिंह के भाई राजकिशोर सिंह जो कि फौज में नौकरी करते हैं मौके पर मौजूद मिले। उनके द्वारा पुलिस के कार्य में बराबर व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था तथा वादी जिसके साथ मारपीट की गई थी थाने ले जाने से पुलिस को जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया जा रहा था। इस संदर्भ इस बात को लेकर के पुलिस वादी के साथ इनको भी थाने लेकर आई थी। वहां पे इनसे आवश्यक पूछताछ कर हिदायत देकर के जीडी में तस्कर अंकित करके इनको रवाना कर दिया गया था। इनके साथ किसी भी प्रकार के अभद्रता की बात होना नहीं पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि इनके भाई हैप्पी सिंह की आम शोहरत अच्छी नहीं है। उसके विरुद्ध पूर्व में भी दो मुकदमे मारपीट के थाना रेरा बाजार पर दर्ज हैं और उसी क्रम में इसने आज भी यहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। अपने भाई के बचाव में इनके द्वारा इस प्रकार से झूठा मैसेज प्रसारित किया जा रहा है। सुन लिया आपने, अब डीएसपी का बयान भी आपके सामने रख दिया, फौजी का बयान भी आपके सामने रख दिया। बाकी आप सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। छात्रों पर जुल्म किया जा रहा है, भाजपा ही सामने आ जा रहे हैं, तो वही वाला काम हो रहा है जो वांटेड फिल्म में सलमान खान की जो वांटेड फिल्म है उसमें डायलॉग है कमिश्नर का कि जिस दिन तेरा सामना एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से हो जाएगा पैंट गिली हो जाएगी तेरी। तो यहाँ भाजपा ही नेता के सामने पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, भीगी बिल्ली बने हुए दिखाई दे रहे, लेकिन फौजी का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। और वो भी उस राज्य में जहां भाजपा सत्ता में बैठी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, राष्ट्रपति खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां पे ये सब हो रहा है। हमारा काम है चीजें आपके सामने रखने का, अच्छा बुरा जो भी आपको लगा हो अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।